नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। दोनों ही पार्टियों में प्रत्याशियों की लिस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है। 76 नाम भाजपा में बाकी हैं, कांग्रेस में 156-157 ऐसे कुछ नाम आए हैं, वहाँ भी लगभग 42-43 नाम बाकी हैं। इंतजार हो रहा है दोनों तरफ भाजपा की चुनाव समिति की बैठक, अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जेपी नड्डा मौजूद थे और राजस्थान के प्रमुख नेता तो थे ही, लेकिन अमित शाह मौजूद थे, अरुण सिंह मौजूद थे, प्रहलाद जोशी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, ये सब लोग मौजूद थे। ऐसा लगता है कि आज भाजपा की एक सूची, जो कि शायद अंतिम सूची होगी, शायद डेफिनेट तो कुछ होता नहीं है पॉलिटिक्स में, पर ऐसा माना जा रहा है कि आज इन्होंने अपना काम कंप्लीट कर दिया, क्योंकि दिन भी कितने बचे हैं। नॉमिनेशन शुरू हो गए, नामांकन आज कई जगह नामांकन हुए, जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे पेनल्टी कॉर्नर में। तो आज ये लिस्ट रात को या कल सुबह आ जाएगी, या दो टुकड़ों में भी आएगी तो वो इसी के टुकड़े किए जाएंगे, सब कुछ हो तो चुका है फाइनल। आइए बात करते हैं ऐश्वर्य प्रधान से, ये भी बात करने की कोशिश करेंगे ऐश्वर्य प्रधान से, जो बताएंगे हमको कि इस लिस्ट में क्या क्या कुछ खास होने वाला है, क्या क्या खास दिखने वाला है। ये ऐश्वर्य प्रधान क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं आप आवाज? जी बिल्कुल सर, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं और इन नामों को लेकर मैं यहां पर आपसे बातचीत करना चाहूंगा सर। जी सर, ये जो नाम है, हालांकि लिस्ट कल आनी है, लेकिन जो सिंगल नाम या सियासी गलियारों में जिन नामों को लेकर अभी चर्चा है, जो लगभग लगभग तय माने जा रहे हैं, उनमें कई चौंकाने वाले नाम भी है। इस पूरी फहरिस्ट पर अगर हम गौर फरमाते हैं तो इस पूरी लिस्ट जो टीवी स्क्रीन पर चल रही है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, उस पूरी लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सुभाष मिल्खा खंडेला से लगभग लगभग तय है, भीनमाल से पूरा राम का लगभग तय है, रवि नैयर ने यहां पर चौंकाया है आदर्श नगर से, हालांकि अब अशोक परनामी को क्या सीट बदलकर कोई सीट दूसरी दी जाएगी या कोई राज्यसभा में भेजने का कमिटमेंट किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। शाहपुरा को होल्ड पर रखा गया है, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को फिर से टिकट पाने में वो लगभग सफल हो जाएंगे ऐसा माना गया है, शंकर शर्मा का नाम दौसा से भारी चर्चाओं में है। ये जो नाम है ये हम फाइनल लिस्ट नहीं बता रहे, फिर क्लियर कर दूं, क्या ज्योति खंडेलवाल का नाम इस लिस्ट में लग रहा है आपको? बिल्कुल, जो फिलहाल जानकारी निकलकर सामने आई है अपुष्ट से सूत्रों से, पुष्ट तो तब होंगे जब ये लिस्ट सामने आ जाएगी, जब भाजपा से लिस्ट पूरी जारी हो जाएगी, लेकिन ज्योति खंडेलवाल का नाम फिलहाल लगभग लगभग फाइनल लग रहा है। और सूत्रों की माने तो ज्योति खंडेलवाल और रवि नैयर कुछ लोगों से बधाई भी ले चुके हैं, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है। अतुल भंसाली का नाम आ गया है, आप अच्छे से जानते हैं उस सीट को, और अतुल भंसाली इस बार शायद मुकाबला अच्छे से कर पाएंगे, बार नहीं कर पाए थे। गिरधारी तिवारी चौंकाने वाला नाम यहां पर आ गया है, एक सामान्य कार्यकर्ता है, जैसे आरआर तिवारी को अगर कांग्रेस सामने लाती है तो आरआर तिवारी एक मैसेज जयपुर शहर में देंगे, वैसे ही गिरधारी तिवारी भी मैसेज एक भरतपुर जिले में जाएगा। नहीं, पहले लड़ चुके हैं गिरधारी तिवारी, पहले लड़ चुके हैं भरतपुर से। बिल्कुल, हनुमानगढ़ में राम प्रताप का नाम लगभग फिलहाल लग रहा है लेकिन होल्ड पर है। शार्दुल शहर में गुरवीर बरार का नाम सामने आया है, गुरवीर बरार जो है राजनीतिक परिवार है, आप अच्छे से जानते हैं, गुरवीर युवा मोर्चा में रहे हैं, और उसके अलावा महेंद्रपाल मीणा का जम्वा रामगढ़ से नाम है, सिविल लाइंस को होल्ड पर रखने की खबर सामने आ रही है, राजकुमार रिणवा का नाम सरदार शहर से है, करौली से दर्शन शहर सिंह का नाम फिलहाल लग रहा है लेकिन फिलहाल उसे होल्ड पर रखे जाने की खबरें आ रही है। हालांकि मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि ये जो लिस्ट है ये फाइनल लिस्ट नहीं है, लेकिन जो नाम फिलहाल राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगे हैं। आपको इसमें कोई ऐसा हाईलाइट नजर आ रहा है, क्योंकि हमें पूरा पेनल्टी कॉर्नर में और विषयों पर चर्चा करनी है जिस पर हम स्पेकुलेशन के आधार पर भी चर्चा कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर डॉक्टर महेंद्र राठौड़,
सरदारपुरा से, जिनका नाम सर्वाधिक चर्चाओं में है कि महेंद्र राठौड़ को टिकट दिया जा रहा है, लगभग ऐसा माना जा रहा है। ओसिया से भैराराम सियोल, वही पुराना नाम है। फिर जिस पर सर्वाधिक चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि और भी विषय है, लेकिन उन विषयों के अलावा इस वक्त की राजनीति का सबसे बड़ा विषय सर यही है, इसको लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार किसे कहां से टिकट मिल रहा है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया की टीवी स्क्रीन पर है, रामहेत यादव का नाम चर्चाओं में, बन्नाराम मीणा जो कि चर्चाओं में रहे हैं उनका नाम यहां पर सामने आ रहा है, राजेंद्र मीणा का नाम महुआ से सामने आ रहा है, टोडा भीम को होल्ड पर रखे जाने की खबर यहां पर आ रही है, यहां पर रमेश खींची का नाम कठुबर से माना जा रहा है, जसवंत यादव को बहरोड से माना जा रहा है, अर्जुन लाल जींगर को कपासन से माना जा रहा है, रामगढ़ से जय आहूजा का नाम माना जा रहा है। रामगढ़ जो कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर रिटायर एक आईपीएस थे, उन्होंने भी कोशिश की, वहां से सुखवंत सिंह ने भी कोशिश की, वहां से देवेंद्र दत्त शंटू ने भी कोशिश की है, लेकिन ये जब लिस्ट सामने आएगी तब पूरा क्लियर हो पाएगा। लेकिन फिलहाल नाम टॉप पर है और डीडवाना को होल्ड पर रखे जाने की खबर है, सुरेश ढाकड़ का नाम बेंगू से चलने की बड़ी खास चर्चाएं हैं, हालांकि इस लिस्ट में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। लेकिन और जो हम कह रहे थे लाडलू से मनोहर सिंह जी के पुत्र जो है उनकी चर्चाएं हैं, जो लगातार चर्चाओं में था नाम, फर्स्ट इंडिया न्यूज ने उसे लेकर बात भी की थी, रतन धारी सर सीकर से है और ये ओवरऑल नाम है। और अगर हम तफसील से करें तो हालांकि लगभग एक दर्जन सीटें यहां पर होल्ड पर रखी जा सकती है, फिलहाल इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही है, क्लियर बाद में होगी जब लिस्ट आउट हो जाएगी। क्या शाहपुरा भिलवाड़ा शाहपुरा कैलाश मेघवाल वाली सीट, उस पर कुछ आया है? फिलहाल उस सीट को लेकर जो जानकारी फिलहाल मिल रही है, क्योंकि जो खबरें थी वो ये थी कि कैलाश मेघवाल जो है वो वापस से एंट्री कर जाएंगे, लेकिन अभी उस पर भी संशय बरकरार रखा गया है, इंतजार रहेगा कि उस संशय को कैसे तोड़ा जाता है, आलाकमान क्या फैसला करता है। लेकिन जिनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं ये नाम लगभग तय से माने जा रहे हैं, जैसे ही ये लिस्ट सामने आएगी भारतीय जनता पार्टी आलाकमान इस लिस्ट को जारी करेगा तो चीजें क्लियर होंगी। आज उम्मीद है रात में ये लिस्ट आने की? देखिए देर रात तक भी लिस्ट आ सकती है और वैसे सुबह की ज्यादा संभावनाएं हैं, कहा जा रहा है कि सुबह आएगा, क्योंकि आज करवा चौथ भी है और करवा चौथ के माहौल में हर कोई करवा चौथ भी मनाना चाहेगा, तो ऐसे में आज कम उम्मीद नजर आती है। धन्यवाद बहुत आपका। ऐश्वर्य प्रधान बता रहे थे, रवि नैयर का नाम बता रहे थे, ज्योति खंडेलवाल का नाम बता रहे थे, सुभाष मील जो पहले कांग्रेस में थे भाजपा में आए उनका खंडेलवाल से नाम बता रहे थे, और जय आहूजा का नाम बता रहे थे, ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे हैं शायद मेरे ख्याल से, रामगढ़ से, और बहुत सारे नाम उन्होंने अभी आपके सामने रखे हैं। आज कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, सबके नाम तो मैं नहीं ले सकता, पर दर्शन सिंह गुर्जर का आना कांग्रेस से बीजेपी में ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पूर्व विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, करौली एक जनरल सीट है, वहां से लाखन सिंह मीणा पिछली बार जीते थे बसपा के टिकट पर, उन्होंने सरकार का समर्थन किया बचाने में, उनको पारितोषी के रूप में कांग्रेस में लेकर टिकट दे दिया गया। जनरल सीट बसपा ने उन्हें रोकने के लिए पहले से रविंद्र मीणा को टिकट दे दिया था, फिर भी लाखन मीणा को टिकट दिया कांग्रेस ने, जो वचन था निभाने के लिए। तो दर्शन सिंह गुर्जर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो बीजेपी में चले गए, और जनरल सीट पर जहां अब दो मीणा लड़ रहे हैं, जनरल सीट पर जब एक मीणा होता है तो दो सवर्ण लोग होते हैं और ट्रेंगुलर में मीणा निकल जाता है, ये करौली की करेक्टरिस्टिक है। अब दो मीणा हैं और एक सवर्ण होगा, वो भी बीजेपी से, वो भी पूर्व विधायक कांग्रेस का जसवंत, ये दर्शन सिंह गुर्जर। तो एक डेवलपमेंट आज ये हुआ है, और भी कई लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की। पार्टी ज्वाइन करने वालों में जसवंत सिंह गुर्जर जो भाजपा के विधायक थे वो बसपा में शामिल हुए हैं और शायद बाड़ी से चुनाव लड़ेंगे बसपा की टिकट पर। किशनगढ़ में भी बहुत से लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की, किशनगढ़ अजमेर वाला, वहाँ पर चूंकि विकास चौधरी कांग्रेस में चले गए तो कई लोग बीजेपी में शामिल हुए आज, शायद वो कांग्रेस में अब कंफर्टेबल नहीं है विकास चौधरी के होते हुए, और जो लोग शामिल हुए हैं उसमें से अधिकांश नॉन जाट हैं, तो इसलिए लग रहा है कि वो जातीय पोलराइजेशन जो किशनगढ़ में पिछली बार हुआ था इसकी वजह से सुरेश टांग जीत गए थे दो जाट प्रत्याशियों के बीच में, इस बार भी विकास चौधरी भागीरथ चौधरी दोनों आमने सामने हैं कांग्रेस बीजेपी से। सुरेश टांग निर्दलीय लड़ेंगे, त्रिकोणीय संघर्ष में फिर एक निर्दलीय की राह बन सकती है
ये भी लोग अनुमान लगा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहता हूं, अजमेर उत्तर की सीट कांग्रेस ने होल्ड पर रखी हुई है, जहां से वासुदेव देवनानी जीतते आ रहे हैं पिछले 20 साल से। उदयपुर से आए थे, अजमेर में आकर जम गए। इस वक्त वासुदेव देवनानी का इतना जबरदस्त विरोध हो रहा है कि ज्ञान सारस्वत जो पार्षद हैं कई बार के बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता, उन्होंने पार्टी छोड़कर इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी निर्दलीय। अभी आपने स्क्रीन पर देखा, ये साध्वी अनादि सरस्वती हैं, ये भाजपा से टिकट मांग रही थी, वासुदेव देवनानी को टिकट मिल गया। साध्वी अनादि सरस्वती के कांग्रेस से चुनाव लड़ने की पूरी संभावना बताई जा रही। हालांकि ये बहुत ही स्ट्रगल वाली सीट है, क्योंकि धर्मेंद्र राठौड़ भी यहीं से टिकट मांग रहे हैं, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत नज़दीकी आरडीसी चेयरमैन। महेंद्र सिंह रावत यहाँ से टिकट मांग रहे हैं, 4000 वोट से हारे थे पिछली बार। सचिन पायलट के राइट हैंड अजमेर की राजनीति में, और ये साध्वी अनादि सरस्वती जिनको आप देख रहे हैं, चूंकि ये सीट 1952 से अब तक सिंधी जीता आया, और कांग्रेस जब जब भी नॉन सिंधी को खड़ा किया, चाहे श्री गोपाल भाईती को किया, चाहे महेंद्र सिंह रावत किया, नॉन सिंधी कांग्रेस का प्रयोग कभी सफल नहीं हो पाया। हो सकता है कि धर्मेंद्र राठौड़ और महेंद्र सिंह रावत की लड़ाई में साध्वी अनादि सरस्वती को, जो कि सिंधी ही हैं, हेमू कालानी जो शहीद हुए हैं, जिनका बड़ा नाम है सिंधी समाज, फख्र से जिनका नाम लेता है, उनके बड़े भाई की पोती कहलाती है, ऐसा बताया जा रहा है। और अजमेर में भगवा वेश में भाजपा के सामने कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में और सिंधी होते हुए उतरेंगी, तो मैं समझता हूँ एक अलग तरह की टक्कर देखने को मिलेगी अगर ये आती हैं कांग्रेस में। अभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, पर अजमेर में पुरजोर चर्चा है कि दोनों राठौड़ और रावदा के बीच एक बार कांग्रेस फिर से पुरानी जगह आ सकती है, नॉन सिंधी को टिकट देने का प्रयोग छोड़कर सिंधी समाज से आ रही हेमू कालानी के परिवार की साध्वी अनादि सरस्वती को टिकट दे सकती है। ये सब कुछ कल परसों में सामने आ जाएगा।